नमस्कार जूनियर्स मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया सर आई पी यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे बच्चे अभी परेशान हैं क्योंकि उनके इंटरनल एग्जाम्स चल रहे हैं और बच्चों की जैसे जैसे रिजल्ट्स भी आ रहे हैं तो बच्चे उनसे पूछ रहे हैं भैया क्या आईपी यूनिवर्सिटी के इंटरनल एग्जाम्स के कोई पासिंग मार्क्स होते हैं कितने होते हैं अगर होते भी हैं तो और इसके अलावा अगर हम लोग फेल हो गए तो क्या होगा मतलब बहुत सारे डाउट्स आप लोग दिमाग में आ रहे हैं मैं सारी इस वीडियो के अंदर क्लियर करूंगा शुरू करते इस वीडियो को बने किसी प्रॉफिट लॉस की तो जनियर सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं आईपी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे रहने वाला है आई पी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन पैटर्न अभी दो तरीकों से चल रहा है यूनिवर्सिटी के जो फर्स्ट ईयर है उसके तो एग्जाम आप लोग फोर्टी मार्क्स और सिक्सटी मार्क्स के अकॉर्डिंग हो रहे हैं मतलब आप का इंटरनल फोर्टी मार्क्स कैरी करता है और एक्सटर्नल सिक्स के मार्क्स के होने वाले हैं इसके अलावा आईपी तो कुछ भी डिफाइन नहीं कर रखा है थर्ड ईयर की अगर बात करें तो उनका चल रहा है ट्वेंटी मार्क्स के हिसाब से और मार्क्स के हिसाब से मतलब पच्चीस मार्क्स इंटरनल्स के और सेवेंटी मार्क्स के होते हैं उनके एक्सटर्नल एग्जाम्स सो मैं आप लोगों को दोनों ही पैटर्न से बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग पैटर्न चल रहा है ट्वेंटी फाइव सेवेंटी वाला पैटर्न चल रहा है दोनों के अंदर अगर आप लोगों इंटरनल एग्जाम्स होते हैं तो उसके अंदर आप लोगों के पासिंग मार्क्स कितने होते हैं या फिर कैसे होते हैं जो भी सारे डाउट्स आप लोगों क्लियर करने वाला हूं तो जूनियर सबसे पहले तो आप लोगों को एक बात समझनी पड़ेगी आप लोग आईपी यूनिवर्सिटी कोई भी पैटर्न के अंदर आ रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता आईपी यूनिवर्सिटी के ना जो कॉलेजेस होते हैं वो अपने एग्जाम्स को ना अलग अलग तरीके से लेते हैं कुछ कॉलेजेस कुछ कोर्सेज के एग्जाम लेते हैं ट्वेंटी मार्क्स के कुछ लेते हैं थर्टी मार्क्स के कुछ लेते हैं फोर्टी मार्क्स के तो जितने भी मार्क्स आप लोगों के इंटरनल एग्जाम हो रहे हैं ना आप लोगों को सबसे पहले बात तो वही चेक करना है कि आप लोग टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं मैक्सिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट के अंदर कितने बन रहे हैं मेरे जो इंटरनल एग्जाम होते थे मेरे थर्टी मार्क्स के होते थे मेरे ही सेम कॉलेज के अंदर कुछ और कोर्सेज के एग्जाम फोर्टी मार्क्स तक के भी होते थे सो वो डिपेंड करता है आप लोगों के एग्जाम्स कितने

माना जाएगा यूनिवर्सिटी का रूल है लेकिन हाँ अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के किसी भी एग्जाम को देने के बाद मतलब इंटरनल एग्जाम को देने के बाद उसमें फेल हो जाते हो चाहे आप लोगों में नंबर आ रहे हैं तीन नंबर आ रहे हैं चार नंबर जितने भी नंबर आ रहे हैं ना वो मैटर नहीं करता है लेकिन अगर आप लोग यूनिवर्सिटी का इंटरनल एग्जाम दो के मतलब जितने भी आप लोगों के इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट से आप लोगों बस एग्जाम देने हैं मार्क्स जितने भी आ रहे हैं उससे आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है अगर खराब मार्क्स भी लेके तब भी आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो दिसंबर के अंदर आप लोगों के एक्सटर्नल एग्जाम्स होंगे उसके अंदर आप लोगों के पास एक चांस होगा जिसके अंदर आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो तो आई होप आप लोगों के इस वीडियो से कुछ ना कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ मैं मिलता तो हूं आपसे अगले वीडियो में भी लेते हैं धन्यवाद